पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जनपद के समस्त ब्लॉकों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत विकास खंड पिपरौली में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर जनपद के 2,60,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए खाते में स्थानांतरित किया। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग व प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ दिलाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार चलते रहने का विचार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जितना चलता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को शौचालय, भारत आयुष्मान मिशन के तहत स्वास्थ्य बीमा सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान किया है। इस अवसर पर राज्य महिला की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने भी लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इस जनपद के प्रभारी मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी मंच पर उपस्थित, आपका इस विकास खंड की तरफ से स्वागत अभिनंदन, किसानों की तरफ से स्वागत अभिनंदन, पार्टी नेताओं की तरफ से स्वागत अभिनंदन। पार्टी के नेता छोटेलाल मौर्य जी, छोटेलाल मौर्य जी, अवधेश यादव जी, विनोद निगम जी, परम आदरणीय रमापति राम शास्त्री जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को संक्षेप में विभागीय जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित सभी सम्मानित किसान बंधु, माताएं बहनों, उपस्थित पार्टी के सभी प्रतिनिधिगण, अभी कुछ हाथ कम उठे, बोले भारत माता की। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के आदि प्रदीप शुक्ल जी, जिला उपाध्यक्ष आते हैं छोटेलाल मौर्य जी, अभी हमारे गाय है तिवारी जी, निरंकार त्रिपाठी जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, अमिता गुप्ता जी, प्रेमपाल गुप्त जी, जनार्दन श्रीवास्तव जी, धर्मराज रोड जी, चंद्रपाल शाही जी, अवधेश यादव जी, रवि प्रताप सिंह जी, परमात्मा सिंह जी, विनोद निगम जी, संजय हर्ष जी, आगे नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय योगी जी के माध्यम से उनको पुरस्कृत किए जाने का एक अवसर है। उस काम को पूरा करने के लिए चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, किसान के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक के लिए संचालन सारी व्यवस्था करने के लिए वो कृत संकल्प है। मैं भगवान राम का पड़ोसी हूं, भगवान राम का पड़ोसी होने के नाते मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था। उनके पिता राजा दशरथ ने कहा था कि मैं अयोध्या का राजा राम जी को सौंपना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा कि मुझे तो अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है तो बड़ा गर्व होने वाला है। उन्होंने कहा